किसानों के लिए 3 नए कृषि अध्यादेश बना है केंद्र सरकार ने, जानते हैं इससे लाभ होगा या नुकसान। 3 नए कृषि अध्यादेशों से किसानों का शोषण कई गुना बढ़ेगा, राष्ट्रीय किसान महासंघ ने यह कहा है। कई अर्थशास्त्री इस पर विचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो 3 नए कृषि अध्यादेश बना है उनसे किसानों का शोषण होगा। संगठन ने कहा कि इन अध्यादेशों के जरिए आने वाले समय में केंद्र सरकार किसानों को मिलने वाले MSP को खत्म करने जा रही है। MSP का मतलब होता है समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार का दावा है कि इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन असल में किसानों को नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। हालिया समय में केंद्र सरकार ने 3 विषयों पर कृषि अध्यादेश लेकर आई है जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये 3 अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान परिवारों के भविष्य से जुड़े हुए हैं और सरकार का कहना है कि इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन कई अर्थशास्त्री तथा किसान संगठन बता रहे हैं कि इन अध्यादेशों से किसानों का शोषण होगा। एक तरफ सरकार व अनेक अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि कोरोना वायरस काल में सिर्फ किसानों की मेहनत कृषि क्षेत्र के आधार पर ही देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद बंद कर किसानों का शोषण करने पर तुली हुई है। यह बात आप सब जानते होंगे कि हमारी केंद्र सरकार के ऊपर विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का दबाव है कि किसानों को मिलने वाली MSP और हर प्रकार की सब्सिडी केंद्र सरकार समाप्त करे। इससे पहले भी कांग्रेस व BJP की सरकारों ने MSP को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाने की असफल कोशिश की, लेकिन किसानों के दबाव के सामने उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब केंद्र सरकार कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन का अनैतिक तरीके से फायदा उठाकर ये 3 अध्यादेश लेकर आई है। सरकार को लगता है कि कोरोना वायरस के कारण किसान बड़े पैमाने पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। किसानों के विरोध को भांपने के लिए अब की बार मक्के और मूंग का एक भी दाना MSP पर नहीं खरीदा गया, अर्थात मक्के और मूंग का MSP रेट नहीं बढ़ाया सरकार ने। आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार गेहूं और धान की MSP पर खरीद भी बंद करने की दिशा में काम कर रही है, जबकि गेहूं और धान देश की मुख्य फसलें हैं। यदि इनका भी MSP बंद कर दिया जाएगा तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहला अध्यादेश है, इस अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कर रही है। इस अध्यादेश के माध्यम से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट, किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। इस अध्यादेश के तहत किसानों का माल खरीदने वाले पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट को 3 दिन के अंदर किसानों के माल की पेमेंट करनी होगी। सामान खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी और किसान के बीच विवाद होने पर SDM इसका समाधान करेंगे। पहले SDM द्वारा संबंधित किसान एवं माल खरीदने वाली कंपनी के अधिकारी की एक कमेटी बना के आपसी बातचीत के जरिए समाधान के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। अगर बातचीत से समाधान नहीं हुआ तो SDM द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी। SDM के आदेश से सहमत न होने पर जिला अधिकारी के पास अपील की जा सकेगी। SDM जिला अधिकारी को 30 दिन में समाधान करना होगा। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड है और वह किसान की फसल खरीदना चाहता है और उस फसल पर किसान संतुष्ट नहीं है, चाहे वो मूल्य को लेकर हो या फिर किसी अन्य कारण से हो, तो यह बात किसान SDM तथा जिला अधिकारी तक पहुंचा सकता है और इसका समाधान 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि प्राइवेट पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट द्वारा किसानों के माल की खरीद MSP पर होगी, अर्थात जो भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति है वह MSP पर खरीदेगा, इसकी सरकार ने गारंटी नहीं दी है। यानी वह किसान की फसल औने पौने दाम में खरीद सकता है, जिससे किसान को बहुत नुकसान होगा और बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की फसलों को खरीद कर अपने गोदामों में स्टोर कर लेंगे और समय आने पर ऊंचे दामों में बेचेंगे। दूसरे अध्यादेश के अंतर्गत पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीद कर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए 1995 में एक इंसेटियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई है। अब इस नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यापारी बड़े पैमाने पर किसानों से फसल खरीद करके उसको स्टोर कर सकता है, जिससे कालाबाजारी फिर बढ़ेगी। तीसरा अध्यादेश है, तीसरे अध्यादेश के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां
खेती करेंगी और किसान उसमें सिर्फ मजदूरी करेंगे। इस नए अध्यादेश के तहत किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनके रह जाएगा। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार कृषि का पश्चिमी मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन सरकार यह बात भूल जाती है कि हमारे किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि जनसंख्या अनुपात पश्चिमी देशों से अलग है। यहाँ की जलवायु, यहाँ की भूमि, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल सब विदेशों से अलग है, और हमारे यहाँ खेती किसानी जीवन यापन करने का साधन भी अलग है। वहीं पश्चिम देशों में यह व्यवसाय है। अनुभव बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है। पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था, जिसे बाद में किसान संगठनों ने विरोध से कंपनी ने इस मुकदमे को वापस ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती है, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती है, और बाद में किसानों के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत यह होता है कि सबसे पहले किसानों की फसलों को व्यापारी अच्छे दामों में खरीदने की बात कर लेते हैं, फसल आने पर उस बात से मुकर जाते हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। और यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में नहीं चल सकती, क्योंकि भारत एक अलग देश है और यहाँ की जनता भी अलग है, यहाँ के किसान भी अलग हैं, यहाँ सभी बात दिल से सोची जाती है। केंद्र सरकार का मानना है कि इन तीन कृषि अध्यादेशों से किसानों के लिए फ्री मार्केट की व्यवस्था बन जाएगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमेरिका व यूरोप में फ्री मार्केट यानी बाजार आधारित नीति लागू होने से पहले 1970 में रिटेल कीमत की 40% राशि किसानों को मिलती थी। अब फ्री मार्केट नीति लागू होने के बाद किसानों को रिटेल कीमत की मात्र 15% राशि ही मिलती है, यानी फ्री मार्केट से कंपनियों व सुपरमार्केट को फायदा हुआ है। फ्री मार्केट नीति होने के बावजूद किसानों को जीवित रखने के लिए यूरोप में किसानों को हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की सरकारी मदद मिलती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। सरकारें किसानों की मदद के लिए इतने बड़े पैमाने पर धनराशि नहीं दे सकती। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकलता है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा हैं, क्योंकि सरकार इनके माध्यम से आने वाले समय में किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP बंद करने की तैयारी कर रही है। ये अध्यादेश असंवैधानिक हैं, कृषि राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार को कृषि के विषय में हस्तक्षेप करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इन सभी बातों को राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के किसानों के लिए जो भी हेल्पफुल काम करती है, मदद करती है, वह सही होगा। ये तीनों अध्यादेश अलोकतांत्रिक हैं, क्योंकि जब पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है और संसद भी बंद है, उस समय ये तीनों अध्यादेश लाकर सरकार क्या करना चाहती है। इन अध्यादेशों को लाने से पहले सरकार ने किसी भी किसान संगठन से विचार विमर्श नहीं किया है, और इससे किसानों को दिक्कत होगी, किसानों को बहुत घाटा होगा, और आने वाले समय में देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आप इन अध्यादेशों तथा इन बातों को समझते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।